आपने फिल्म बनाई है और पांच का रिलीज हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने फिल्म बनाई है, पांच को रिलीज हो रही है, तो मैं सबको मैसेज देना चाहूंगा, प्लीज हमारी मूवी आके जरूर देखें। बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली मूवी है, लाफ्टर भी है, ड्रामा भी है, हर एक वैरायटी आप देखेंगे इसमें। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस मूवी में। 27 दिग्गज हमने पंजाबी इंडस्ट्री के लिए हैं, तो आई होप यू विल लाइक इट। और मूवी का नाम है चल पद चलिए, April 5th। आज ही फिल्म को सेंसर भी मिला है, तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? या एक्साइटमेंट है, हाँ जी, काफ़ी एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है थोड़ी सी, क्योंकि पहली मूवी है, तो यही है कि ऑडियंस को सबको पसंद आए हमारी मूवी। तो अब्रॉड से आके ये पंजाबी फिल्म बनाने का कैसा आइडिया है आपको? हम पंजाबी हैं, तो इस करके पंजाबी मूवी बनाने का ही आया हमें, कि हमने पंजाबी बनानी है मूवी ना। USA में पंजाबी मूवी का बहुत बड़ा ट्रेंड है, सो जब हम जाते थे थिएटर में खुद देखना, तो हमारा भी दिल करता था पंजाबी हम भी प्रोड्यूस करें, सो वो घड़ी आ गई जो हमने प्रोड्यूस करी, आपका शुक्र है बहुत। क्या कहानी कहेंगे? कहानी दो विलेज की है, जैसे दो पिंडों की है कहानी, तो उनके बीच में जैसे कई सालों से ये होता आ रहा है कि लड़ाई होती है कि उनकी लड़की को वो हमेशा भगा लेते हैं, तो अब आप देखना कि मूवी में होता क्या है ना, नेक्स्ट क्या होता है, कि लाइक इट्स वेरी एक्साइटमेंट। नहीं नहीं भगाते तो लड़की ही हैं, तो यही देखना है कि कैसे होता है, क्या होता है, हंसी मजाक है। भाग के क्या अब्रॉड जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं नहीं भाग के उसी पिंड में ही जाते हैं अब्रॉड। ज़्यादा देखने, ज़्यादा मतलब जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जानने के लिए आपको सबको मूवी देखनी पड़ेगी। और हमारे गाने भी बहुत अच्छे हैं, 6 गाने हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाए हैं। रात फतेह अली, हाँ जी ट्रेंडिंग पे आ गए हैं सब गाने। रात फतेह अली खां है, निंजा है, गुरनाम पुल्लर है, छिप्रा निछत्तर गेला, छिप्रा सुनीति चौहान है, सुनीति चौहान, आप प्लीज, इंदर चहल, आप प्लीज जरूर सुनना और वॉच करना, प्लीज हमें सपोर्ट करना। सब स्मूथ हुआ, सब स्मूथ, हमारी मूवी में कोई ऐसा नहीं है जो सेंसर ऑब्जेक्शन करेगा, तो एवरीथिंग वाज गुड। फैमिली मूवी है, आप किसी के भी साथ बैठ के देख सकते हो मूवी, इट्स अ फन मूवी। थैंक यू, थैंक यू। ये तो इसने तो अमिताभ को हिला दिया था, मैं इसके आगे मैं क्या बोलूं। बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया, बट पंजाबी हमेशा मेरे बहुत क्लोज रही है, मेरे चाह भी है, तो यहाँ मैं स्पेशली आया हूँ अलीशा सुदन के लिए। शी सच अ ग्रेसफुल एंड वेरी वेरी एलिगेंट, सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। और पिक्चर इतनी बड़ी है, चलिए कि और फिल्म बनाने के बोलिए, चल पाँच चलिए और बनाइए, है ना, नाम बहुत कैची है, तो आई रियली लव इट एंड लाइक इट, सो दैट्स इट, चलो उड़ा चलिए नहीं चलो पच के मूवी देखन चलिए। अच्छा मैम, 5 करोड़ जब अमिताभ बच्चन के सामने आपने जीता, तो कैसा लग रहा था? फिल्म का रिव्यू देना हो तो क्या बोलेंगे आप? जैसे मैं 0 से लेकर 5 करोड़ तक पहुंची थी, मैं भी ऐसी विश करती हूँ कि ये भी मूवी ऐसी पचती ऊपर तक पहुंच जाए, बस ऑल द बेस्ट। और पंजाबी एटीट्यूड तो चढ़ना ही चढ़ना, जो मर्जी चढ़ती कला, ऑलवेज इन चढ़ती, वी कॉल इट चढ़ती कला। हमने हमेशा ना, हम दोनों ने हमेशा मेन है पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत रखा है, जो कि मेन एक पंजाबी कल्चर है, तो वो रहेगा तो ऊपर जाएंगे जाएंगे, चढ़ती कला। एक पहले पंजाबी पिक्चरें थी तो देखने का बड़ा मन करता था, बीच में पता नहीं क्यों डाउनफॉल आ गया था, बट अभी जो है पंजाबी का ये अलग है कि बॉलीवुड भी चाहती कि वो पंजाबी के जो पंजाबी है इधर आए, सो आई एम रियली हैप्पी के पंजाबी जो है ऊपर चढ़ रही है, एंड वेरी सून आई वुड लव टू डू पंजाबी फिल्म्स आल्सो, जो है सो ऑफ कोर्स जो पहला दौर था पंजाबी का, जो आपने आपको पता है डाउन आ गया था,
बट अब वापस चला तो इट इज वेरी आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट। आजकल हर एक को क्रेज है पंजाबी मूवी देखने का, बॉलीवुड बॉलीवुड में भी पंजाबी एक गाना जरूर होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सॉरी, घर पे मेरी दो बेटियां हैं, एक उठती है एक जागती है, फिर इस चक्कर में मेरे आधा घंटा डिले हो गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी सॉरी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वोंट हैव मेड यू वेट फॉर सो लॉन्ग, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, पर इस बात का हम नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं। आई अप्रिशिएट आप लोग टाइम पर आते हैं, आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस, सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से लेट करें, सॉरी। प्रेपरेशन मेरे लिए कॉमेडी बिट वाला नहीं था, मतलब फर्स्ट पेज पे डांस करेगा हमारे साथ, बाहर जा रहे हैं।
वन को देखने के लिए उनकी पहली पिक्चर है ये। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया कदम है। सो जिस तरह वो अब तक लोगों को एंटरटेन करती आई हैं, चाहे वो टीवी हो, अब फिल्म्स की बारी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हर। जी बिल्कुल, मैंने फिल्म के प्रोमो देखे हैं, मैंने उनका सॉन्ग देखा है। सो अब बस फिल्म देखने की बारी है और फिल्म देखने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आई विश हर और रियली ऑल द बेस्ट। मेरी पहली मूवी उनके साथ ही थी एंड आई विश हर कि उनकी और आने वाली मूवीज़ ऐसे ही बैक टू बैक आते जाए और मैं ऐसे ही प्रीमियर पे आते जाए। और आज आपका सॉन्ग भी आया है। मेरी फिल्म आ रही है, काम चालू है 19 अप्रैल को अगेन राजपाल जी के साथ। तो आई होप ये एक बहुत ही स्पेशल मुद्दे के ऊपर फिल्म है जो हम सबके ज़िंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा है, खड्डों के ऊपर है। तो लेकिन आज ये फिल्म के लिए मैं आया हूँ, तो इसके लिए बात करूँगा। ऑल द बेस्ट रुबीना एंड द टीम। थैंक यू। फर्स्टली तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ऑसम लग रहा है जो भी मैंने इनके ग्लिम्प्स देखे हैं। एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू रुबीना एंड हर एंटायर टीम। आई होप कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो और या वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू जनक जी। सो इंदर भाई और रुबीना जी की फिल्म जो है रिलीज़ हो रही है 5th को, चल पा चलिए। बीइंग अ पंजाबी मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये टाइटल जो है ना बहुत ही कॉमेडी है, क्योंकि इसके बीच में ये चल पा चलिए मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमेडी बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पंजाबी फिल्म वैसे भी कॉमेडी बहुत अच्छी सक्सेस होती है और मैं विश करता हूँ कि ये फिल्म भी वैसे ही बहुत बड़ी सक्सेस हो एंड गुड लक। आई विश वेरी गुड लक, बहुत बड़ी सक्सेस हो क्योंकि ये मेरी फैमिली की मूवी है, मेरे सारे अपने लोग हैं इसमें, तो आई विश कि ये बहुत बड़ी हिट हो। एंड मैं नॉन पंजाबी बट मैं फिर भी देखने जा रही हूँ, देखते हैं फर्स्ट टाइम में कुछ समझ आता है कि नहीं, बट यस। सिर्फ पंजाबी नहीं, तो आपके सामने एग्जांपल है कि जो नॉन पंजाबी लोग हैं वो भी देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आता है। जाके देख के आना। गुड लक। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन ये मूवी के लिए रुबीना दिलेक। हमने ये मूवी के बारे में बात किए थे मेरे पॉडकास्ट पे भी, तो थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए पॉडकास्ट का भी। और यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए मूवी, और रुबीना है इसमें, तो यार मेरे को तो देखना है कि उसने किस तरीके का काम किया, कैसा काम किया, और इंशाल्लाह वो अच्छा ही काम की होगी और बहुत टैलेंटेड है वो। तो बस मेरी यही दुआ है कि उसकी ये मूवी जो पहली आई है वो खूब चले, ब्लॉकबस्टर, और लोग बहुत पसंद करें उसकी एक्टिंग को भी, और इसे इंशाल्लाह और भी काम मिले। अच्छा, उनके 3 गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो आप हम लोग बहुत सपोर्टिव है, इंशाल्लाह उसका जो भी सॉन्ग रहेगा रुबीना के साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि वो मूवी को अच्छा पुश मिले, जितनी चीज़ें हम बनाए इंस्टाग्राम पे अपने एक्सप्लोर कराएं। थैंक यू सो मच। भाग चलिए, यस भर चलिए, मतलब भाग चले, तो क्या विश करना चाहेंगे रुबीना और सारी कास्ट को? पहली बात तो बहुत बड़ा लाइक यू नो गैप हो गया है रियूनियन में बिग बॉस के, बहुत बाद अब मिल रहे हैं हम लोग एंड बहुत अच्छे मौके पे मिल रहे हैं। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट रुबीना एंड ऑलवेज देयर इज लव फॉर हर। आई विश हर ऑल द बेस्ट, जो भी वो करती है बहुत ही अच्छे से, शिद्दत से और पूरे हार्डवर्क से करती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म एंड आई विश हर एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।